हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं रीना फैशन और मैं बनाने जा रही हूँ इस कपड़े की मैक्सी। इस कपड़े को बिछा लेंगे हम। कपड़ा बिछाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, कपड़ा उल्टा करके बिछाएंगे, उल्टे पे निशान लगाते हैं। मैक्सी बनाने के लिए हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। पहले इसको ऐसे करके खोल लेंगे और इसको ऐसे हमें डबल कर लेंगे। डबल करके हमें बिछा लेना है कपड़े को। तो निशान लगाने से पहले मैं इसका नाप बता देती हूँ। मैक्सी की लंबाई हमें पूरी 54 इंच रखनी है और 9 इंच की हम इसमें चोली लगाएंगे, तो 9 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 45 इंच। तो इसको मैं लंबाई में 45 इंच तक निशान लगा के काट लूँगी सीधा सीधा। तो इसी में हमें मार्जिन देना है। तो ये मैंने 47 इंच का काट लिया है, मार्जिन सही 47 इंच का काट लिया है कपड़ा बिल्कुल सीधा सीधा। और नीचे से मैं ये अलग कर दूंगी जुड़ा हुआ। अभी 2 पीस काटने के बाद इसको अलग करके रख देंगे। अब चोली के निशान लगाएंगे। 9 इंच की चोली रखनी है तो हमें पूरी लंबाई 10 इंच लेनी है, आधा इंच ऊपर मार्जिन लेके और आधा इंच नीचे। तो 10 इंच की चोली काटनी है हमें। इस कपड़े पे मैं चोली के निशान लगाऊंगी। ये मैंने 10 इंच लंबा कपड़ा लिया है और ऐसे करके ये 12.5 इंच चौड़ाई में लिया है। तो इसको ऐसे करके डबल करके मोड़ लूंगी मैं। 40 चेस्ट का बनाना है तो 40 चेस्ट में हम 2 इंच प्रेस कर लेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 का चौथा भाग निकालेंगे तो 10.5 आएगा और 2 इंच मार्जिन, तो ये 12.5 हो गए। तीरा हमें कितना रखना है, जितना मैं नॉर्मल सूट में या ब्लाउज में रखती हूँ 1 इंच फालतू रखना है। तो इसमें हमें 7 इंच पर निशान लगाऊंगी तीरे का। ऐसे करके 7 इंच पे निशान लगा लूंगी और फिर इसके मुड्डे में भी हमें 7 इंच रखने। ऐसे करके एक निशान लगा दूंगी। ये हमारा मुड्डा हो गया और इसकी हम यहाँ पे ऐसे निशान लगा के गुलाई कर देंगे। इसकी चेस्ट लाइन पे निशान लगा देंगे हम 10.5 पे। ऐसे करके एक निशान लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से नीचे से 1 इंच ऊपर हम एक निशान लगाएंगे ऐसे करके और इस निशान को हल्का सा गोल कर देंगे नीचे से, ऐसे करके गुलाई में कर देंगे। इसको मैं काट लूंगी निशान को। अब इसकी गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखनी है तो 3 इंच पे ऐसे करके निशान लगाऊंगी। नीचे भी 3 इंच पे लगा लेना है और लंबाई इसकी मैं कुछ 6 इंच रखनी है। ये निशान लगाने के बाद हमें गले की गुलाई देनी है तो ऐसे करके गले की गुलाई दे देंगे। इसको काट लूंगी मैं। ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। अभी आगे के गले की कटिंग करनी है तो ऐसे करके मोड़ लेंगे इसको। ऐसे 3 इंच पे निशान लगा देंगे। आगे का गला 6.5 इंच पे काटूंगी मैं तो 6.5 पे निशान लगा दूंगा ऐसे करके। स्वीट हार्ट बनाना है इसका गला मेरे को तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करके निशान लगा दूंगी। गला काटने के बाद हमें यहाँ पे से अलग कर देना है जो हमारी मुड्डे, इसमें हम थोड़ा सा कटाई कर देंगे। इसमें ये पीछे का पल्ला हो गया, ये आगे का पल्ला हो गया। अब हमने जो सीधे सीधे पल्ले काटे थे उनको ले लेंगे तो इसको ऐसे करके बिछा लूंगी मैं। बंद साइड है, यहाँ पे बंद है, यह खुली हुई है। ये हमारी चौली है जो हमने काटी थी तो इसको मैं ऐसे करके रखूंगी। इसको यहाँ से ऐसे करके रखेंगे, यहाँ से रखेंगे ऐसे करके बराबर करके, यहाँ तक आ रहा है और ये जितना ये कपड़ा बचा है हमारी प्लेटें आ जाएंगी ऐसे करके। तो इस हिस्से में हमें प्लेट बनानी है, ऐसे करके बनानी है। कुछ इस तरह से हमारी मैक्सी बन के तैयार हो जाएगी। अब मैं इसकी काटूंगी बाजू।
इसको हटा देते हैं। ये बाजू का कपड़ा ले लिया मैंने, इसको मैंने पहले एक बार मोड़ लिया ऐसे करके, इसको ऐसे करके मोड़ लेंगे एक बार। और बाजू मुझे 4 इंच रखनी है, लंबाई बाजू की 4 इंच रखनी है, तो इसमें हम पहले नीचे लगा देंगे निशान 1.5 इंच पे ऐसे करके। ये मोड़ने के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा दिए, फिर यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे करके, और 1/2 इंच ऊपर सिलाई का मार्जिन लगा देंगे ऐसे में। हमारा ये 11 इंच है, तो ऐसे करके एक निशान लगा देंगे सीधा। अब यहाँ से हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे, ये निशान लगाने के बाद हमें गुलाई करनी है, इतना हिस्सा हमें सीधा रखना है, यहाँ से गुलाई करनी है, तो ऐसे करके गुलाई करेंगे, बाजू की शेप दे देंगे, इसकी कटिंग कर लेना। यहाँ पे से थोड़ा तिरछा काट देना ऐसे करके, ये बाजू को खोलना ऐसे करके, और यहाँ पे आगे की शेप दे देनी है। बाजू काट लिए, अब मैं करने जा रही हूँ मैक्सी की सिलाई। सबसे पहले पीछे के गले को बनाएंगे, तो ये गला है गोल है, तो इसके लिए हम तिरछी पट्टी काटेंगे। तो 2 तिरछी पट्टी मैंने काट के रख ली है। पिछली वीडियो में बताया कि पट्टियाँ कैसे काटी जाती हैं, तो जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं मेरी वीडियो को। तो ये 2 पट्टी मैंने तिरछी काटी है, अब इनको मैं पहले जोड़ लूंगी। एक पट्टी को ऐसे रखेंगे और दूसरे को ऐसे करके रखेंगे। तो ये मैंने जोड़ ली पट्टी, अब इसको गले में लगाएंगे। कपड़े को ऐसे खोल के रखेंगे सीधा। ऐसे जोड़ने के बाद फिर हमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है ऐसे करके। सिलाई लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसको ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे करके मोड़ेंगे एक बार, फिर इसको पूरा मोड़ देंगे, फिर किनारे पे सिलाई लगा देंगे यहाँ अंदर इस साइड। पीछे का गला बना लिया है, अब आगे का गला बनाएंगे। तो ये जो कपड़ा काटा है आगे का, इसमें मैंने ऐसे करके गला काटा है, तो इसके लिए मेरे को सेम ऐसे ही कपड़ा काट के गले की पट्टी बनानी है। तिरछी पट्टी इस पर नहीं लगती है, तो मैंने ये काटा है कपड़ा, जो ये शेप दी है सेम इसी शेप में काटना है ऐसे करके। इसके ऊपर रख देंगे ये कपड़ा, बिल्कुल बराबर करके काटना है और 2 इंच चौड़ा काटना है हमें। तो ये इस पर लगेगा कपड़ा, तो इसमें कैसे करना है, एक पल्ले को लेंगे सीधा रखेंगे इसको, एक पट्टी लेंगे नीचे की तरफ सीधी होगी, इसको ऐसे करके रखेंगे बराबर करके, ऐसे करके रखना है। इस पे यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगानी है, इतने अंदर जितना हम कपड़ा दबाते हैं उतनी सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगने के बाद हमें यहाँ पे कट लगाना है छोटा सा, सिलाई जहाँ लगी उससे ऊपर ही ऊपर लगाना है, तो ऐसे करके कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हम फिर वैसी सिलाई लगाएंगे किनारे की, ये ऐसे करके बन गया है। फिर इसको हम उल्टा कर लेंगे कपड़े को, पहले इतना मोड़ लेंगे आधा, फिर इसको पूरा मोड़ देंगे। अब इस पर हम बड़ी सिलाई लगा देंगे, फिर तुरपाई करके इसको तोड़ देंगे सिलाई को। ये गला बन गया है मेरा, ऐसी सेम दूसरा वाला भी बना लेंगे।
ये दोनों मैंने गले बना लिए। अब इसमें लगाएंगे हम पट्टी, जो आगे की पट्टी लगेगी जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। एक 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे, एक 2.5 इंच चौड़ी पट्टी, तो ऐसे करके लगाएंगे। ऐसे कपड़े को रखेंगे और फिर सिलाई लगाने के बाद इसको मोड़ लेंगे ऐसे करके, और इसको ऐसे करके पूरा अंदर मोड़ देंगे। और इसमें हम पट्टी को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, इसको 1 इंच बाहर की तरफ रखेंगे। तो ऐसे करके सिलाई लगानी है। पहले मैं ये वाली पट्टी लगा लेती हूँ। एक पट्टी लगा ली है मैंने, ये अंदर की साइड मोड़ के लगाई है। अब लगाएंगे हम बाहर की तरफ पट्टी को रख के, तो इसको ऐसे करके रख लेंगे। हमें ऐसे पट्टी लगानी है, ये वाली बाहर की तरफ रख के ये अंदर की तरफ इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ऐसे करके बराबर करके। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ले से करके जोड़ लिया है। ये हुक वाली पट्टी बन गई है। ये घेरा है हमारा जो हमने घेरा काटा था सीधा सीधा, और यहाँ पे हमें कट लगा लेना है जो बंद वाली साइड होती है वहां पे बीच में। अभी जो चोली है इस किनारे से रखनी है हमें, तो इसको यहाँ से ऐसे करके मिला के रखेंगे। बीच का हिस्सा है इसमें हमें जो ये मैंने कट लगाया है, ये जो कट लगाया है इसको ऐसे करके रखेंगे। जो ये घेरे का कोना है उसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे करके, यहाँ तक इतने हिस्से में चुन्नट डाल देंगे हम। यहाँ से हमने चुन्नटे बनाई यहाँ तक, अब यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे सीधी। ये बीच में चुन्नटे पड़ गई हैं, अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। ये कपड़ा है नीचे की तरफ से ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर सिलाई लगाएंगे इस करके। ये वाली सिलाई लगाने से जो प्लेट होती है वो बिल्कुल सेट हो जाती है। ये प्लेट डाल दी है मैंने, अब ये आगे वाले पल्ले में तो डल गई है, पीछे में भी ऐसे डाल लेंगे सेम। पीछे का भी मैंने तैयार कर लिया प्लेट डाल के, अब मैं इसके तीरे जोड़ूंगी। तीरे कैसे जोड़ते हैं, पहले हमें कपड़ा सीधा रखना है, पीछे का सीधा करना है कपड़ा, फिर उसके ऊपर आगे का जो पल्ला है उसको रखेंगे। अंदर की तरफ सीधा होगा ऊपर से उल्टा होगा, ऐसे करके रखेंगे और ये तीरे पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बाजू है, अब बाजू पे सिलाई लगाऊंगी मैं, तो इसको ऐसे करके एक बाजू को ले लेंगे, इसको मोड़ लेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू सिलाई लगाने के बाद हमें इसकी एक बाजू लेनी है, इसको उल्टा करके रख देंगे ऐसे करके। जो ये हमने कटिंग करी है ये हमारी आगे की तरफ रहेगी, ये वाली साइड पीछे की तरफ रहेगी, ये वाली गुलाई। तो इसको मैक्सी को हम ऐसे करके उठाएंगे, मैक्सी को ऐसे करके रख लेना है। ये मेरा पीछे वाला पल्ला है और ये वाला आगे का है, तो पीछे वाली गुलाई ये वाली, इसको हम इसको मिला के रखेंगे इससे। तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है मेरा कपड़ा यहाँ तक, अब मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी ऐसे करके।
तो ये बाजू लगा लिए मैंने ऐसी, दूसरी बाजू भी लगा लूंगी मैं सेम। बाजू लगने के बाद अब इसमें हम निशान लगाएंगे बाजू की मोरी का, 7 इंच की इसकी मोरी है तो 7 इंच का निशान लगा देंगे, फिटिंग का निशान लगा देंगे ऐसे करके, इसको बराबर रखेंगे कपड़े को ऐसे करके। अब ये दूसरी साइड भी मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया है और इसकी भी सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसकी नीचे की किनारी मोड़ूंगी तो ऊपर से लंबाई नाप लेंगे, जहाँ पे भी पूरी लंबाई आ जाएगी वहां तक हमें मोड़ लेना है। तो इसको ऐसे करके बिछाएंगे, इसको ऐसे करके मोड़ेंगे एक बार, फिर इसको दो बार मोड़ देंगे ऐसे करके। पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है नीचे नीचे, ये मेरी पूरी मैक्सी सिल गई है, ये मैंने पूरी मैक्सी सिल ली। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ खोल के, मैक्सी मेरी पूरी सिल गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।